एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास में कहानी सुनाई जो कि कुछ इस प्रकार थी। एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कैप्टन ने शिप खाली करने का ऑर्डर दे दिया। जहाज पर एक कपल थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा कि नाव पर केवल एक व्यक्ति ही जा सकता है। इस मौके पर उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को धक्का दिया और नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी लेडी ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर कहा, अब प्रोफेसर रुक के स्टूडेंट से पूछते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है? उस लेडी ने अपने पति से क्या कहा होगा? सभी स्टूडेंट्स जोर जोर कर चिल्लाकर कहते हैं। उस लेडी ने कहा होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ है। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? वो लड़का बोला, मुझे लगता है उस लेडी ने कहा होगा हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर हैरान रह गए। उन्होंने उस स्टूडेंट से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी है? स्टूडेंट ने जवाब दिया, नहीं नहीं सुनी है, पर यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुख से कहा, उत्तर सही है तुम्हारा। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया, वो लेडी मर गई। पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी का जीवन अपनी बेटी के साथ बिताया, उसका पालन पोषण किया। कई साल बीत गए, बेटी बड़ी हो गई। पिताजी की तबीयत अब कुछ खराब रहने लग गई। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। बेटी अब अकेली हो गई। एक दिन घर में काम करते हुए, सफाई करते हुए उस बेटी को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे तो उनकी माँ को एक जानलेवा बीमारी थी और उनके जीवन में कुछ ही दिन रह गए थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिताजी ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गए। उनके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन को कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही समुन्द्र में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा ही होता है माता पिता का प्यार। जब प्रोफेसर ने कहानी सुनाई तो पूरी क्लास शांत हो गई। कई बार हम पूरी सच्चाई जाने बिना लोगों पर ब्लेम कर देते हैं, उनसे नाराज हो बैठते हैं, उनकी बात समझते भी नहीं है। होप ये वीडियो कुछ आपको राइट डायरेक्शन दे सके और आप लोगों को समझ सके। Don't blame them. Just trust them. Sit with them and listen to them. Thank you for watching. Stay tuned. Stay connected. Friends, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अपनी कमेंट्स के साथ जरूर बताइएगा।